नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। 18 साल के युवक को 26 अगस्त को मारी गई थी गोली रीवा के एजी कॉलेज के पास सुवारण टोला में। संजय गांधी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 3 आरोपी इस मामले में रीवा सिविल लाइन पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। 26 अगस्त को कमर में गोली लगने से घायल 18 साल के युवक की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हम आपको बता दें, रितेश रावत पिता पिंकू रावत उम्र 18 साल पड़रा थाना सिविल लाइन के रहने वाले थे। बीते 26 अगस्त को एजी कॉलेज से आ रहे सुवरण टोला के पास 3 लड़कों ने उसके ऊपर गोली चलाई थी। गोली उसके कमर पर लगी थी। गोली लगने से रितेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। तत्काल ही उसको इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां पर रितेश 3 महीने से ज़्यादा तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। उन्हें कोर्ट में पेश करके भेजा किया गया था जेल। उसमें से 1 आरोपी पर NSA के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने पहले 307 के तहत मामला पंजीबद्ध करके 3 आरोपियों को पकड़ा था। सिविल लाइन थाना TI साफ तौर से कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम धारा 302 में भी मुकदमा पंजीबद्ध कर सकते हैं। हमें इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। हमारी टीम ने रितेश की मौत पर सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे सिविल लाइन थाना TI से बात की, साथ ही बात की रितेश रावत के पिता पिंकू रावत से। हम आपको सुनाएंगे रितेश की मौत को लेकर दोनों ने क्या कुछ कहा था। फिलहाल संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी में 1025/22 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पंचनामे की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले किया जाएगा। साफ तौर से माना जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा का वक्त कमर में गोली लगने की वजह से 18 साल के लड़के रितेश रावत ने बिताया रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। रितेश के कमर में गोली लगी थी। परिजन ये मानकर चल रहे थे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 महीने बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। इलाज के दौरान ही संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करने में सफलता पा ली थी। उन 3 में से 1 पुराना अपराधी था, उसके ऊपर कई मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ पुलिस ने सिविल लाइन थाने की NSA के तहत भी कार्रवाई की। अब जब 307 में आरोपी बनाए गए 3 मुजरिमों को इसी मामले में उसकी मौत होने के बाद धारा 302 भी लगाई जा सकती है। सिविल लाइन थाने के TI का साफ तौर से कहना है, हमें इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं सिविल लाइन थाना TI और मृतक के पिता ने मामले को लेकर हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। क्या हो गया? 3 महीने कल कहाँ गोली लगी थी? गोली पड़ रही थी एजी कॉलेज के पास। पकड़ गए वो अभी कि नहीं पकड़े गए? पकड़ गए। क्या नाम था उनका? रीवा यादव और दो के नाम नहीं वाले हैं। आपका क्या नाम है? हमारा पिंकू। आपके कौन थे? हमारा दिनांक 26/8/22 को एजी कॉलेज तिराहे के पास कुछ लोगों ने रितेश रावत को फायर किया था, जिससे वो घायल हुआ था। कमर में गोली लगी थी। इसका भी जिला चिकित्सालय में लगातार इलाज किया जा रहा था, जिसकी आज सुबह डेथ हो गई है। इस पर अपराध धारा 307 का कायम किया गया था। शिवम उर्फ शिवानंद पांडे जिसमें आरोपी है, शिवा यादव है और नाजिम है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपी शिवानंद पांडे के विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा चुकी है। अभी मामला विवेचनाधीन है। PM रिपोर्ट प्राप्त कर इसमें धारा 302 का इजाफा कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।